सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में यह खबर आराधना और बच्चों को बताऊं तो कैसे बताऊं कि कंपनी बंद हो गई है और अब मेरे पास नौकरी ही नहीं रही। कितनी खुशी से वो लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चर्च की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगले महीने बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का किराया और घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, इतनी जल्दी नई नौकरी भी तो नहीं मिल सकती ना। अरे आप आज इतनी जल्दी? अरे अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ आपको। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आपको तो फीवर भी नहीं है, अब बोलोगे भी या चुप बैठे रहोगे? बुरी खबर है, मेरी नौकरी नहीं रही। नौकरी नहीं रही मतलब? कंपनी बंद हो गई है, उन्होंने सबका हिसाब करके घर भेज दिया है, अब फिर मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का किराया, ये सब कैसे मैनेज होगा? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हम सब यीशु के मार्ग पर चलने वाले उसके अनुयायी हैं। उसने आज तक हमें संभाल कर रखा है, आगे भी संभालेगा। हम इन छोटी छोटी परेशानियों से डरने वाले नहीं हैं। बच्चों को क्या बताएंगे? सच सच बताएंगे हम बच्चों को, ताकि वो भी इस बुरे वक्त पर हम साथ में मिल करके प्रार्थना कर सकें। तीन महीने बीत गए और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं अलग अलग ऑफिसेज के चक्कर काट काट कर थक चुका था। हम लोग लगातार प्रार्थना में लगे थे, पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा था। हमें विश्वास था कि परमेश्वर पिता कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। ऐसे में लेनदार भी याद हमकते हैं, कभी राशन वाला तो कभी मकान मालिक। तीन महीने से मकान का किराया जो नहीं दिया था, एक दिन मकान मालिक आकर अल्टीमेटम दे गया। मेरे को मेरा पैसा चाहिए 15 दिन के अंदर, नहीं तो ये सब सामान उठा के फेंक दूंगा बाहर। 15 दिन? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप यीशु पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ निकल आएगा, तुम सब मिलकर प्रार्थना करो और मैं नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। आज ना तो मेरे कदम रुकेंगे और ना ही तुम्हारी प्रार्थना, आज चमत्कार तो होकर ही रहेगा। मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं थक हार के पार्क में एक जगह पर बैठ गया। निराशा मुझे घर नहीं जाने दे रही थी, मैं किस मुंह से घर जाऊं? मैंने प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु मेरी मदद कर, कोई रास्ता निकाल, मैं हार चुका हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी मदद कर मेरे यीशु। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया है। मैंने नीचे झुककर देखा तो मुझे एक बटुआ पड़ा मिला। मैंने उसे उठा लिया और उसे खोलकर देखा, बटुआ 500 के नोटों से भरा पड़ा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने प्रार्थना की, यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए एक चमत्कार किया है, तेरी प्रशंसा हो, तेरा धन्यवाद हो। अरे आप आ गए, आज हम तीनों ने बहुत सारी प्रार्थना की यीशु की, सचमुच वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पापा आज सचमुच बहुत मजा आया, हम तीनों ने मिलकर सोचा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन प्रार्थना करेंगे। हाँ पापा, हमने बहुत सारे गीत भी गाए और हमें बहुत मजा आया। अरे मेरे लिए प्रार्थना में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप सब लोग खुश हो जाओ, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है, आप लोग देखोगे तो दंग रह जाओगे। कैसा चमत्कार? इसे देखो,
ये है हमारे जीवित परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। हाँ, पर कैसा चमत्कार? आज मैं निराश होकर दर दर की ठोकर खाकर पार्क में चला गया और वहाँ बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके जैसे ही मैंने आमीन कहा तो ये बटुआ मेरे पैर से टकराया और पैसों से भरा हुआ बटुआ यीशु मसीह ने हमें दिया। लेकिन लेकिन क्या तुम लोग खुश नहीं हो? पर ये पैसा हमारा नहीं है और ना ही हो सकता है, किसी की जेब से गिर गया है। आप इसे फौरन वापस कर दीजिए, न जाने किस व्यक्ति ने अपना इतना सारा पैसा खो दिया। इस वक्त सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? अरे परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा चमत्कार किया है। इस बटुए में इतना पैसा है कि हम घर का किराया और दोनों बच्चों की फीस दे सकते हैं। तुम लोग खुश होने के बदले मातम मना रहे हो। तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? पर यह हमारा नहीं है, किसी और का है, और हम इस चोरी में आपके भागीदार नहीं बन सकते। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये बटुआ मुझे पार्क में मिला है। लेकिन यह वहाँ अपने आप तो नहीं पहुँचा होगा, किसी की जेब से गिर गया होगा। प्लीज आप इसे वापस करके आइए। देखिए बटुए में किसी न किसी का एड्रेस जरूर मिलेगा। यीशु मसीह किसी को तकलीफ देकर हमें बरकत नहीं दे सकते। आप इसे अभी के अभी वापस करके आइए। हमें आपके साथ सड़कों पर बिना छत के रहना मंजूर है, लेकिन जो पैसा किसी और का है वह हमारा नहीं हो सकता और ना ही हम उसे कभी लेंगे। मैंने बटुए से कार्ड निकाला और उस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक का बटुआ था। उन्होंने मुझे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया। जी मैं ललित हूँ, मुझे सिंघानिया साहब से मिलना है। उन्होंने 10 बजे मुझे मिलने को कहा था। ओह, आप ही मिस्टर ललित हैं जिन्हें बॉस का बटुआ कल पार्क में मिला? जी जी, उनका मैसेज है, जैसे ही आप आए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। ओके सर, मिस्टर ललित इज हियर। ओके, यू मे गो दिस वे। थैंक यू। बैठिए मिस्टर ललित। इट्स ओके सर। अरे बैठिए सर, आपका बटुआ देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे देखना क्या है, आपको कुछ लेना ही होता तो आप मुझे फोन ही नहीं लगाते, ना इधर आते। मैं आपके संस्कार और ईमानदारी की कदर करता हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? 3 महीने से परेशान हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ। रिज्यूम है क्या आपका आपके पास? जी सर। लाइए। अरे आप तो सिविल इंजीनियर हैं। कल ही मैंने अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को फायर किया है, वो कुछ गड़बड़ियां कर रहा था। मुझे आप जैसे ही ईमानदार और काबिल आदमी की तलाश थी। आपकी सैलरी होगी 70,000 रुपये महीना और कंपनी का घर और गाड़ी भी मिलेगी। आप ये खबर अपने घर वालों को दे सकते हैं। जी सर। और आप कल से ज्वाइन भी कर सकते हैं। जया आपको घर की और गाड़ी की चाबी दे देगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। वेलकम। हमारा ईश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है। कई बार वह हमें परखता जरूर है, पर यदि हम सही चुनाव करें तो वह हमें हमारे सोचने से भी ज्यादा आशीषें और बरकत देता है। मुझे अच्छी खासी पगार मिल जाती है। उस दिन अगर मैंने आराधना की बात नहीं मानी होती तो शायद कहानी कुछ और होती। जीवन की गाड़ी एक बार फिर से अपनी पटरी पर चल पड़ी है। बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों की वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। निर्गमन 20:17।